वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल। ठीक है, आर्म्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल इफ एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी आपको कितना दिया है 70 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है एंगल जी, एंगल जी फाइंड करना है और एंगल ई आपको क्या करना है फाइंड करना है जो आपको डायग्राम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डायग्राम आपको ए बी पैरेलल किसके डी ई के। ठीक है, ए बी पैरेलल डी के एंड बी सी जो है आपका क्या है एंड बी सी इज ट्रांसिबल। ठीक है, बी सी अगर ट्रांसिबल एडमिस क्या हो जाएगा एंगल डी जी सी, वो किसके बराबर होगा एंगल ए बी सी के। ठीक है, एंगल डी जी सी किसके बराबर इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, बिकॉज ये दोनों कैसे एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसे एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कैसे एंगल है दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इट मीन्स क्या होगा हमारे पास में एंगल भी 70 ऑलरेडी दिया है, तो एंगल जी भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। यह डायग्राम देखो, ए बी और डी दोनों कैसे है पैरेलल है। ठीक है, अब एंगल बी और बी सी क्या है दोनों का करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल भी आपको 70 दिया, तो एंगल जी भी कितना होगा 70 होगा। ठीक है, एंगल भी अगर 70 है तो एंगल जी भी कितना होगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। राइट, इसी में सेकंड आपके पास में बी सी जो है पैरेलल है किसके ई एफ के, बी सी पैरेलल है ई एफ के एंड डी ई इज डी ई क्या उसका ट्रांजिबल से, तो इट मीन्स क्या होगा हमारे पास में एंगल हमारे पास में बन जाएगा डी ई एफ। ठीक है, एंगल ई किसके इक्वल होगा एंगल डी जी और सी के होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दोनों कैसे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल है, कैसे एंगल है दोनों एंगल कैसे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से, इट मीन्स क्या हो जाएगा एंगल डी जी सी ये कितना है 70। ठीक है, सो एंगल डी ई एफ ये भी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे देखो, एंगल आपको जो दिया हुआ है ठीक है बी सी, ठीक है बी सी और ई एफ दोनों कैसे है पैरेलल है, बी सी और ये दोनों पैरेलल और डी क्या है उसका ट्रांजिबल से। ठीक है, डी ट्रांजिबल से, अगर यहाँ पर एंगल जी कितना है 70। ठीक है, एंगल जी अगर 70 है तो एंगल ई भी कितना होगा 70 होगा। ठीक है, एंगल जी अगर 70 है तो एंगल ई भी कितना होगा 70 होगा, बिकॉज दोनों कैसे है करस्पॉन्डिंग एंगल से। राइट, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 ईजिली समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ब्लो, ठीक है 1 2 3 4 चार फिगर दिए, डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, तो डिसाइड करना है कि एल इज पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल है या नहीं। राइट, यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम हमारे सामने है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में लिखा है, मैं लिख दूँ एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, बिकॉज रीजन में यहाँ पर लिख दूँ मैं, क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ रीजन्स। ठीक है, क्या रीज़न है उसको, रीज़न है देखो 126 प्लस 44 इक्वल टू कितना होता है 170। ठीक है, इट मीन्स
विच इज नॉट इक्वल टू 180, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180। तो एल और एम पैरेलल नहीं है बिकॉज ये दोनों कैसे हैं, देखो ये है एक ही लाइन में, ठीक है, इट मीन्स 126 और 44, इन दोनों का अगर टोटल 180 के इक्वल होता तो यू कैन से कि एल और एम पैरेलल है, बट 126 से 44 का जो टोटल है वो 170 है, तो इट मीन्स एल और एम जो है पैरेलल नहीं है, राइट। नाउ सेकंड डायग्राम है कि एल और एम दोनों पैरेलल है क्या, वो फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये 75 तो इसका अपोजिट ये भी कितना होगा, 75 होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। अब अगर इन दोनों का अगर टोटल मारे, 75 प्लस 75 कितना होता है 150, इट मीन्स ये भी 180 इक्वल नहीं आ रहा है, तो यू कैन से एल और एम नॉट पैरेलल, राइट। सेकंड में हमारे पास में क्या आएगा, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है, यहाँ पर रीज़न में हम लोग लिख देंगे, रीज़न हमारे पास में क्या होगा कि भैया एंगल वन ये किसके बराबर है, 75 की, ठीक है, 75 की, बिकॉज ये एंगल जो कैसा है वर्टिकली अपोजिट है, मैंने आपको लिख के दिखाया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसे एंगल्स है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड अगर एंगल 175 है तो आपका 75 प्लस 75 ये दोनों कितना होता है, 150 के बराबर होता है, ठीक है, जो कि ठीक है कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 180, ठीक है, तो ये 180 के बराबर नहीं है, इट मीन्स एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, राइट। नाउ डायग्राम थर्ड में फाइंड करना है कि एल और एम पैरेलल है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे एंगल ये 57 है, अगर इसको एंगल 1 हम लोग समझ लें तो लीनियर पेयर में क्या होगा कि एंगल 1 प्लस 57 इक्वल टू 180, इट मीन्स 180 में से 57 माइनस करेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 123 मिल जाएंगी, ठीक है। और ये 123 है तो इसके सामने का 123 नहीं हो सकता, इट मीन्स दीज आर नॉट अ अल्टरनेट एंगल, तो इट मीन्स ये भी क्या है जो पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें हम लोग तो एल और एम पैरेलल है या नहीं ये दिखाना है, ठीक है। तो आपको देखो ये कितना दिया है, 72 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर मैं एंगल 1 ले लूँ, ठीक है, अगेन इसको 180 से माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा आपका एंगल 172 हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर 72 का अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, अब 72 प्लस 98 करूँगा तो भी कितना होता है 170, जो कि 180 के बराबर नहीं है। नौ थर्ड में लिखा एल इज़ पैरेलल टू एम बिकॉज एल वन प्लस 57 किसके बराबर है, 180, तो एल वन की अगर वैल्यू फाइंड करूँगा तो कितने आएंगे हमारे पास में, 123, बट दीज आर नॉट अल्टरनेट एंगल, इट मीन्स एल पैरेलल टू एम। फोर्थ में अगर देखेंगे तो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, तो एल वन कितना है, 72, बिकॉज 72 के सामने अपोजिट एंगल है जो एल वन है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। सो 72 और 92 का अगर एडिशन करेंगे तो जो 170 आने वाला है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 180, इट मीन्स एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, राइट। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।